हेलो माय फ्रेंड्स, हम आज बात कर रहे हैं क्वीन के एग लेइंग की। तो मधुमक्खियों में जैसा कि हम जानते हैं पूरे बॉक्स में एक ही क्वीन या कॉलोनी में एक ही क्वीन होती है जो कि अंडे देने का कार्य सिर्फ इसका होता है। रानी पुत्री अंडा देने के बाद अपनी रानी माता के रूप में जानी जाती है। और विशेषकर जब हम बात करते हैं इस रानी अथवा माँ जो मौन वंश में एक ही होती है, यह अन्य मौनों के आकार में 15 से 20 मिलीमीटर तक की बड़ी होती है और सदैव इसके साथ चारों ओर कुछ कमेरी सेवक मौन घूमती रहती हैं। इसका उदर लंबा, नुकीला, फूला हुआ, अधिक चमकीला और काला होता है। इसके पंख केवल उदर के आधे भाग को ढकते हुए दिखाई पड़ते हैं। इनमें डंक के स्थान पर ओविपॉजिटर होता है। समूह में रानी मधुमक्खी का कार्य सिर्फ और सिर्फ अंडे देना होता है। इसके पंख जो है जीवन में केवल एक बार ही मैथुन उड़ान या निपचुअल फ्लाइट के समय ही प्रयोग में आते हैं। उड़ान के समय बहुत से नर मादा पीछा करते रहते हैं और एक जो है मैथुन की क्रिया करता है। यह क्रिया उड़ते हुए वायु में संपन्न होती है। इस क्रिया में 15 से 50 मिनट का समय देखा गया है कि लगता है। जो रानी होती है, रानी माता एक कोठरी में एक ही अंडे रखती है। जो अंडा होता है वो अंडाकार, लंबा और पतला तथा पीताभी रंग का होता है। अंडा 3 दिन में पक कर फट जाता है और इससे एक लार्वा निकलता है। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे मधुमक्खी पालन में रानी के रोल या विशेष रूप से इसका जो अंडे देने का काम होता है उस पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।